दिल्ली के रोनी सेक्टर 11 में बदमाशों ने एक युवक पर फिल्मी अंदाज से सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर की फायरिंग। युवक को 4 गोलियां लगी। करीबन 17 राउंड फायरिंग इस युवक के ऊपर की गई थी। घायल युवक को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां से फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग के लिए रेफर किया गया। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गाँव का रहने वाला मनीष साथियों के साथ एशियंट कार में सवार होकर रोनी सेक्टर 11 से गुजर रहा था, तभी सामने से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने मनीष की कार का रास्ता रोका, जिसमें से कुछ लोग निकले और फायरिंग शुरू कर दी। मनीष गाड़ी में अपने दोस्तों को छोड़कर भागने लगा, क्योंकि स्विफ्ट में आए बदमाशों ने रोकते ही कार पर फायरिंग शुरू कर दी। मनीष ने भागने की कोशिश की, लेकिन सरे रहा हमलावर गोलियां चलाते रहे और करीबन 4 गोलियां मनीष को लगी, जिससे अम्बेडकर अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए फोर्टिस अस्पताल में रेफर किया गया। गनीमत रही कि इस दौरान गोलियां आसपास के बच्चों को नहीं लगी, क्योंकि जिस वक्त सड़क पर सरे रहा फायरिंग की जा रही थी तो सड़क के पास बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। इस तरह से गोलियां चलना दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस मामले के तार कुछ दिन पहले रोनी सेक्टर 11 में बिट्टू मान की हत्या से जोड़कर देखे जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी हत्यारों को पकड़ पाती है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है, हालत गंभीर बनी हुई है और KN काटजू मार्ग थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। अच्छा, गिरने के बाद चलती गाड़ी में मारते हो? खेड़े गया सारे लड़के ने मारी है, और जो कारू का नाम लिया वो बात नहीं बता रहे हैं। सिस्टम कहीं का भी हो, क्या नाम भाई साहब आपका? राजेश्वर सिंह। राजेश्वर जी, क्या हुआ है? आप ये सुखदेव कॉलेज के आगे खड़े हैं, ये केन काटजू वाला जो रोड है, यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट थी जिसमें 3 लड़के धक्का लगा थे और एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक उस गाड़ी को एक स्विफ्ट गाड़ी ओवरटेक करती है जी, जिसमें 4 लड़के उतरते हैं और चारों ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं 10 से 15 राउंड। लड़का जो धक्का लगाते हैं वो भाग जाते हैं और जो गाड़ी में बैठा युवक उतर के भागता है, उसके पीछे उसको दौड़ाकर गोली मारते हैं, जिसको पता चला है कि 4 गोलियां लगी हैं। क्या नाम बता रहे हैं लड़के का? लड़के का मनीष नाम बता रहे हैं और मनीष ने किसी को फोन करके बोला अपने फोन से गिरने के बाद कि कल्लू ने गोली मारी है। अच्छा, कितनी 4 गोली लगी है इसके? इसको 4 गोलियां लगी। तो जो गाड़ी में सवार थे एशियंट गाड़ी में थे ये? एशियंट गाड़ी सफेद रंग की। जिसके गोली लगी है? जिसको गोली लगी उसके पास एशियंट गाड़ी थी सफेद रंग की। और दूसरी गाड़ी कौन सी बता रहे हैं? दूसरी स्विफ्ट गाड़ी है जिसने ओवरटेक किया। अच्छा, तो ये मेन रोड है भाई साहब, बिल्कुल पुलिस वगैरह का गश्त नहीं होता क्या यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? तो पुलिस दिखाई देती नहीं, और कोई भी 100 नंबर की कॉल की जाती है अपराध होने के बाद तो कम से कम आधे घंटे में पुलिस आती है। यहाँ तो पुलिस निष्क्रिय है बिल्कुल। क्या कारण है इसका? थाना दूर होना कारण है। कितनी दूर है थाना यहाँ से? भाई यहाँ से शाहबाद डेयरी 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और लेकिन ये वाक्य KN काटजू थाने के अंतर्गत हुआ, जो कि थाने की दूरी है मौके से मात्र 200 मीटर है।